हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं क्रोमोजोमल एब्रेशंस और म्यूटेशंस द चेंज इन द मॉरफॉलोजी ऑफ क्रोमोजोम्स विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जीन्स ओवर द क्रोमोजोम्स विदाउट चेंज इन जीन्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोमल एब्रेश तो क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या है अगर क्रोमोजोम की मॉरफॉलोजी में उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जीन्स जिसकी वजह से जीन्स की सीक्वेंस में और उनके नंबर में कोई चेंज आ जाता है विदाउट चेंजिंग जीन स्ट्रक्चर लेकिन जीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है दैट इज़ नोन एज क्रोमोजोमल एपरेशंस एंड दीज म्यूटेशंस ओनली ऑल्टर्स द नंबर और पोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स ये वाले म्यूटेशंस जो हैं ये वाले जो चेंजेस हैं वो सिर्फ क्रोमोजोम के नंबर को या फिर जीन्स के नंबर को और उनके पोजिशन को चेंज करती हैं तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स तो क्रोमोजोमल एप्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स इंट्राक्रोमोजोमल एंड इंटरक्रोमोजोमल इंट्रामीन्स विदिन विद इन क्रोमोजोम्स जो चेंजेस हो रहे हैं वो एंड इंटरक्रोमोजोमल मतलब टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स इंटर मीन्स बिटवीन तो बिटवीन टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे इंटराक्रोमोजोमल मॉडिफिकेशंस सो दीज आर दबरेशंस कॉज बाय ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट्स एंड देयर लॉस और गेन विद इन अ सिंगल क्रोमोजोम अगर एक सिंगल क्रोमोजोम का कोई भी एक पार्ट टूट जाता है और वो उससे टूट के अलग हो जाता है या किसी एक क्रोमोजोम का पार्ट जो है वो किसी दूसरे क्रोमोजोम के साथ जुड़ जाता है देन देट इज़ नोन एज इंटरा क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशनस और इसमें हम ये दो टाइप्स पढ़ेंगे डिलीशन एंड इन्वर्शन और सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज़ इंटरक्रोमोजोमल मोडिफिकेशन्स इंटर क्रोमोजोमल मोडिफिकेशन्स क्या हैं दे इन्वॉल्व टू क्रोमोजोम्स कॉजिंग लॉस ऑफ वन और गेन ऑफ अदर यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमोजोम्स आएंगे जिसमें या तो एक में से एक का लॉस हो जाएगा और वो दूसरे के पास चला जाएगा तो इसको हम इसमें जो हम पढ़ेंगे वो होंगे डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन तो चलिए इन सभी क्रोमोजोम लैब्रेशन को वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास डिलीशन जिसे हम डेफिशेंसी भी कहते हैं डेफिशियसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना तो इसमें क्या होता है अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोजोम ब्रेक्स एंड इज लॉस्ड बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ सेंटोमेयर क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर एब्सेंट है इसलिए क्रोमोजोम का एक सेगमेंट टूटता है और वहाँ से लॉस्ट uh, हो जाता है वो क्रोमोजोम जो है उसको लूज कर देता है This deletion it can be terminal or it can be interstitial. Terminal kab hogi jab it will be at the one end of chromosome. When it will be at one end of the chromosome. or interstitial kab hogi When it will be in between the two ends. जब ये दो ends के बीच में होगी, तब हम इसे कहेंगे interstitial deletion. और अगर ये किसी एक end पे होती है, then it is known as terminal deletion.

यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल क्रोमोजोम है जिसमें ये जीन्स की पोजीशन है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे के यहाँ पे अब हमारे पास डिलीशन दो तरह की हो सकती है टर्मिनल डिलीशन भी हो सकती है इंटरस्टिशियल डिलीशन भी हो सकती है तो टर्मिनल डिलीशन में जो इसके वन एंड पे आएगी यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो है यहाँ से चला जाएगा तो बी सी डी ई एफ रह गया यहाँ पे दिस इज टर्मिनल डिलीशन और इंटस्टिशियल डिलीशन में हमारे पास ए बी ई एफ यहाँ का जो सी और डी जीन्स जो है वो यहाँ से मिसिंग है वो वाला पार्ट यहाँ से टूटता है और वो यहाँ से ये क्रोमोजोम जो है उसको लूज कर देता है सो दिस इज अबाउट डिलीशन टर्मिनल डिलीशन एंड इंटस्टिशियल डिलीशन सेकेंड हमारे पास आता है इन्वर्शन इन्वर्शन क्या है इट इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन विच अ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स गेट्स रोटेटेड और इन्वर्टेड इन इट्स पोजिशन सो दैट सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन द इन्वर्टेड पार्ट इज रिफर्स्ड इन्वर्शन का मतलब होता है घूम जाना तो ये जहाँ पे इन्वर्शन होती है उस क्रोमोसोम के उस पार्ट में जो सिक्वेंस है जीन्स की वो इन्वर्ट हो जाती है ठीक है जो पोजीशन है जीन्स की वो अपने आप को इन्वर्ट कर लेते हैं और जो सीक्वेंस है जींस की दैट इज रिफर्स्ट दिस इन्वर्शन इज ऑफ टू टाइप्स ये दो टाइप्स कौन कौन सी हैं पहली है पैरासेंट्रिक विच एक्सक्लूड सेंट्रोमेयर एंड सेकेंड इज पैरिसेंट्रिक विच इंक्लूड्स सेंट्रोमेयर सो so, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन विल अकर इन वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम पैरासेंट्रिक इन्वर्शन क्रोमोजोम uh, की सिर्फ एक ही आर्म में होगी वेयर एज पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन विल टेक प्लेस एट इंटरजंक्शन ऑफ टू आर्म्स जहाँ पे दो आर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़ती है वहाँ पे पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन हमारी होगी इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दिस इज नॉर्मल क्रोमोजोम ए बी सी डी ई e, एफ जी एच आई जे यहाँ पर हमारे पास पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक पैरासेंट्रिक में क्या है जिसमें हमने सेंट्रोमेयर को एक्सक्लूड करना है जिसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे जो सिक्वेंस है जीन्स की ये रिवर्स्ट हो जाएगी तो ये ए डी सी बी बी सी और डी की जो सिक्वेंस है ये रिवर्स हो रही है यहाँ पे पहले हमारे पास नॉर्मल में थी ए बी सी डी अब हमारे पास बन जाएगी ए डी सी बी ई और बाकी सिक्वेंस वैसी रहेगी और जो पेरिसेंट्रिक है इसमें क्या है अब ए बी सी डी और यहाँ पे ई एफ जी जो हमारे पास नॉर्मल था ई एफ जी ये उल्टा हो गया जी एफ ई एच आई जी तो यहाँ पे हमारा सेंट्रोमेयर भी इंक्लूड हो रहा है इसमें दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन थर्ड जो हमारे पास केस है दैट इज डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन में क्या है जैसे हमको नाम से पता लग रहा है कि कोई भी एक सेगमेंट जो है वो टूटता है एंड गेट्स अटैच्ड टू अनदर क्रोमोजोम होमोलोगस और नॉन होमोलोगस ये इस डुप्लीकेशन में क्या है किसी भी क्रोमोजोम का कोई एक पार्ट जो है वो टूट जाता है और दूसरे किसी क्रोमोजोम के साथ ये दूसरा क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम भी हो सकता है या नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम भी हो सकता है सो अ जीन और मैनी जीन्स आर रिपीटेड ट्वाइस और मोर टाइम्स इन द सेम क्रोमोजोम तो एक ही क्रोमोजोम में एक जीन दो बार या दो से भी ज़्यादा टाइम अपने आप को रिपीट करता है तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें ये हमारे पास नॉर्मल क्रोमोजोम है ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पे अगर हम देखें डुप्लीकेशन में क्या हो जाएगा ए बी सी बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पे जो सेगमेंट है बी सी ये अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है ये डबल दो टाइम ट्वाइसली जो है ये प्रेजेंट है दो बार इसमें प्रेजेंट है दिस क्रोमोजोम म्यूटेशन हैज बिन नोटिस्ड इन जॉइंट क्रोमोजोम ऑफ सेलेब्रिक लैंडस ऑफ ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला के स्लैब्रिक लैंड्स में जो जॉइंट क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये वाली म्यूटेशन जो है नोटिस की गई है और जो इससे नेक्स्ट अब टाइप है हमारे पास दैट इज ट्रांसलोकेशन इसमें क्या होता है अ सेगमेंट सेपरेट फ्रॉम वन क्रोमोजोम एंड गेट्स अटैच टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम से कोई सेगमेंट सेपरेट होगा और नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा

and it was quite common in evening primrose used by Hugo de Vries. Hugo de Vries जिन्होंने अपनी mutation theory दी थी, उनका uh, experimental material था evening primrose. उसमें ये reciprocal translocation जो है, that was quite common. Next is next part जो है इसका next type, interstitial or shift translocation. It is one sided translocation. इसमें क्या होता है? A segment separates from a chromosome and get इंसर्टेड एज इंडस्टिशियल सेगमेंट इन अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेगमेंट सेपरेट होता है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंटर में जाके अपने आप को अरेंज कर लेता है तो इसको देखते हैं हम जैसे ये हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स का पेयर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी और दूसरे जो है उसमें जीन्स के सिक्वेंस क्या है के एल एम एन नो पी क्यू आर एस टी ठीक है ओके अगर अब इसमें से डिलीशन होती है ए बी सी जो है यहाँ से एक सेगमेंट कट गया और ये दूसरे क्रोमोजोम जो है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है उसके साथ जाके अपने आप को अटैच कर देगा और ये है इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन उसके बीच में जाके तो ये हमारे पास के एल एम के एल एम इसके बीच में जाके ये ए बी सी जो इसका ए बी सी पार्ट है इस क्रोमोसोम का वो अपने आप को इसके सेंटर में जाके अरेंज कर लेता है और बाकी का क्रोमोजोम सेम रहता है सो दिस इज इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन और क्योंकि इस क्रोमोजोम से एक पार्ट इसका सेपरेट हो गया दिस इज डिलीशन और अगर हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इसका सेगमेंट इधर चला जाएगा इसका सेगमेंट यहाँ पे आ जाएगा तो जैसे ए बी सी डी ई डी ई जो है वो यहाँ चला गया और इसका एन ओ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी ए बी सी एन ओ पी क्यू आर एस टी और यहाँ पे के एल एम डी ई एफ जी एच आई J ओके तो दिस वॉज अबाउट रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए